हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तारिका जोशी। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मनचाओ सूप बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल रख दिया है थोड़ा गर्म होने के लिए। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आपको जो यूज़ करना हो वो ऑयल यूज़ कर सकते हो। इसमें ऑयल हो गया है तो मैं थोड़ा गार्लिक डालूंगी। बड़ा बड़ा रखा है तो अपन निकाल सके। बच्चों को नहीं पसंद है इसलिए हमें बड़ा बड़ा रखा है, तो क्या अपन साइड पे निकाल सकते हैं खाते के। तो इसको थोड़ा ब्राउन होने देना है। हाँ गाइस, अभी गार्लिक और अनियन ऑलमोस्ट हो गए हैं तो मैं इसमें डालने वाली हूँ कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन, मशरूम, और कैरेट, और कैबेज। ये थोड़ा कैबेज जाएगा। अभी हमें इसको अच्छी तरह से थोड़ा पकने देना है। इसको मैं ढक दूंगी। अभी थोड़ी देर बाद मशरूम का पानी बहुत निकलता है तो पानी डालने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ओके गाइस, अपना सब्जी ऑलमोस्ट हो गया है। ज्यादा हमें पकाना नहीं है, ऐसा ही रखना है। अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट हमें एकदम नाप के डालना है क्योंकि सोया सॉस और सब में भी सॉल्ट आएगा, इसलिए पहले से ज्यादा मत डाल देना। अब हमें इसमें अप्रोक्सी 2 स्पून जितना सोया सॉस डालना है। चिली सॉस है, चिली सॉस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब। थोड़ा ग्रीन चिली सॉस मैं खाली टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। ज्यादा नहीं डाल रही ग्रीन चिली। ओके डालना है क्योंकि सोया सॉस और ये विनेगर सब खट्टा होता है तो थोड़ा मीठा जाएगा टोमेटो केचप। ओके, थोड़ा ब्लैक पेपर डालना है हमें। सूप में ब्लैक पेपर और गार्लिक जिंजर ज्यादा जाता है जिससे उसका एनहेंस हो जाता है फ्लेवर। सोया सॉस में और डालूंगी। लास्ट में थोड़ा विनेगर डालूंगी। अब हम इसमें पानी डालने वाले हैं। मैंने वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा लिया है, आप लोग वेजिटेबल थोड़ा थोड़ा कम डालना हो तो भी डाल सकते हो।
इसमें आप बीन्स भी डाल सकते हो, ब्रोकली भी डाल सकते हो थोड़ा डालना है तो। और थोड़ा पानी जाएगा, ओके। अभी हम थोड़ा इसको उबलने देते हैं पानी को। ये कॉर्नस्टार्च पाउडर मैंने पानी में भिगो के रखा था 2 स्पून जितना, वो मैं अभी इसमें धीरे धीरे डालने वाली हूँ, ओके। इसको हमेशा धीरे धीरे डालना है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि बहुत मोटा हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा उसको पहले देखो, धीरे धीरे डालो, ओके। गाइस आप देख सकते हो कि अभी अपना एकदम परफेक्ट हो गया है सूप, और इसका कलर भी एकदम शाइनी हो रहा है अभी एकदम। लो आटा डालने के बाद, वो कॉर्नस्टार्च डालने के बाद अभी परफेक्ट कलर भी उसका दिख रहा है, और ये अभी पीने के लिए एकदम रेडी है। मैं इसमें थोड़ी ये ग्रीन अनियन डाल दूंगी और थोड़ा धनिया डाल दूंगी। आप देख सकते हो को सेम बाजार जैसा सूप लग रहा है। अभी मैं इसको सर्व करूंगी। ये पूरे 6 पीपल का सूप बना है, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, एकदम हेल्दी टेस्टी फुल ऑफ वेजिटेरियन सूप रेडी है, टोटली वेज, टू मच वेजिस। इसको आप डिनर पे भी ले सकते हो, ओके। अब इसको मैं थोड़ा गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग अनियन और थोड़ा धनिया डालूंगी, और इसको आप मजे से खा सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ओके बाय। हाँ अभी हम सूप टेस्ट करने वाले हैं। एक्चुअली इसके अंदर फ्राइड नूडल्स भी डाला जाता है, पर हम लोग नूडल्स नहीं डालने वाले हैं। मैं तो ऐसे ही उसको, हमारे घर में सब ऐसे ही रहते हैं, नूडल्स नहीं डालते हैं, क्योंकि नूडल्स डाल के फिर ये पियोगे तो आपका पेट ही ऐसे भर जाएगा, तो दूसरा खाना क्या खाओगे। इसलिए मैं टेस्ट करने वाली हूँ, अभी बहुत ही गर्म है अभी तो। Yummy. Hope you guys like my video. Subscribe my channel.